अक्सर लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा या इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमजोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वे लोग अपने जीवन में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जीवन के लक्ष्य के बारे में बताता हूँ, जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, आज का मोटिवेशनल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स न पढ़ने के लिए कई बहाने बनाते हैं। यकीन मानो यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ते रहता था। लेकिन उस लड़के की एक आंख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता था तो उसके आंखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आंख पर ज्यादा जोर दोगे तो ये आंख भी खराब हो सकती है। लेकिन वो लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखा। हालांकि उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये बुक्स पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए उसके बात को लेकर। वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों की जब खाली समय मिलता तब उसे उसकी किताब पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते वह अपनी एमए की परीक्षा भी पास कर लिया। वह लड़का यही नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखा और फिर उसने अपने विचार दूसरी की मदद से लिखवाता रहा। और जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छापने लायक हो जाता था तो उनको बुक्स में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलू को दर्शाते हैं। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जयपाल सत्रह के नाम से मशहूर हुआ। तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा ही लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम सोचे हमें बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ मिले, ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्यों को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो लोग इतना अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स के होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाने बनाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है, या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं, या उस काम को करने से पहले होने वाले फायदे या नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य की पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। पता है, जितनी भी महान लोग हुए हैं वे शुरू में बहुत ही कमजोर हुए हैं या उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। लेकिन यदि मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है तो हमारी शारीरिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, अगर अपनी आँख की कमजोरी को बहाना बनाकर या सिर्फ एक ही आँख के होने के गम में डूब जाते और फिर वे कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान न देते तो क्या वे अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जयपाल सत्रह ने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज्यादा अपनी आंख पर भार देंगे तो अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों को अपने कार्य के लिए मदद के लिए और अपने लिखने का कार्य जारी रखा। और इस प्रकार जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे, जो उनकी आजीविका और उनकी इच्छा शक्ति के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक उदाहरण देखने या सुनने को मिलते हैं। एक गरीब बच्चा या रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस या पीसीएस बन गया, या कोई छोटा मोटा इंजीनियर अपनी छोटी मोटी जॉब छोड़कर अपनी खुद की करोड़ों में केवल अपने दिमाग
दिमाग से कंपनी बना लिया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान को किसी भी चीज को पाने का नशा छा जाता है तो इंसान उसे पाने के लिए दिन रात सिर्फ उसी दिशा में मेहनत करता है, और अच्छे और सही दिशा में की गई मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। तो अगर हमें अपने जीवन में जो भी कुछ बनना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। फिर उसके बाद यदि हम दिन रात मेहनत और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ये सब करने के लिए सिर्फ जरूरत है मन में ठान लेने की। और फिर यदि हम सफलता पाने के लिए अपना सारा ध्यान उस पर फोकस कर लेते हैं तो निश्चित ही हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे मन में है। और रही बात हमारी कमजोरी की, या हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं, क्या हमसे हो पाएगा, तो दोस्तों जो भी इंसान पैदा होता है वो गरीब ही होता है। उसे केवल विरासत में अपने माँ बाप का सहारा और उनका धन उसे मिला होता है, बाकी उसे अपने जीवन में सब कुछ खुद ही हासिल करना होता है। और रही बात गरीबी की, तो हम सभी सर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुने ही होंगे। वे बचपन में बहुत ही गरीब थे, तो क्या वे अपने जीवन में हमेशा गरीब ही रहे और वे अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए? क्या वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे? तो APJ अब्दुल कलाम सर ने वो सब कुछ हासिल किया जो एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है। उन्होंने चाहे बचपन में कितने ही गरीब क्यों न थे, लेकिन अपने दृढ़ और अदम्य साहस के चलते सब कुछ हासिल किए और अपने देश भारत को अनेकों मिसाइल और अनेक ऐसे आविष्कार दिए जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। तो यदि हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए, फिर उसे हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हम पहली बार में ही असफल हो जाएं, हमें सफलता न मिले, तो घबराइए मत और सोचिए कि हमसे कहां और कौन कौन सी गलती हुई है, फिर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। निश्चित ही एक दिन हमें सफलता मिलेगी। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।